जिहवा काट के लाता है, उनके जीव को काट के मेरे समक्ष चलाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में हम के नेता जीतन राम मांझी हमेशा चर्चे में रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हम के प्रमुख हैं, बुजुर्ग नेता हैं, तो कई बार वो चर्चे में रहने के लिए भी बोल देते हैं। पिछले दिनों उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कह दिया था और संदर्भ कुछ ऐसा था कि आते हैं ब्राह्मण और उसके आगे गाली थी और फिर कहते हैं कि बस खाने के एवज में पैसा दे दीजिए। बाद उन्होंने कहा कि हमने ये ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा था बल्कि अपने जाति के लोगों के लिए कहा था, तो दोनों पक्ष नाराज हो गया। बारह बिहार में उनकी इस बयान को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, जगह जगह मामले दर्ज होने लगे, कोर्ट से लेकर के थाने तक शिकायतें की जाने लगी। और इसी बीच में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं गजेंद्र झा, उन्होंने जो है ये ऐलान कर दिया कि जो भी उनकी जुबान काट करके लाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। जरा सुनिए इनको। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से, अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीताराम मांझी का जिहवा काट के लाता है, उनके जीव को काट के मेरे समक्ष चलाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। और अब खबर आ रही है कि उनको पार्टी ने यानी बीजेपी ने निलंबित कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल उनसे कहा गया था कि अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए, लेकिन वो अपने बयान पे अड़े रहे। उनका कहना ये है कि इस तरीके से यदि ब्राह्मणों के बारे में बोला जाता रहा और ब्राह्मण बर्दाश्त करते रहे तो फिर ये सिलसिला बंद पड़ेगा, जिसको जो मर्जी है वो ब्राह्मणों के लिए बोल देता है और बाद में लिपापोती कर दी जाती है। हालांकि जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी ने जो ये कार्रवाई की उसे माना ये जा रहा है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है या वहाँ पे जो गठबंधन है उसमें कोई दरार न आए कि बीजेपी का कोई नेता इस तरीके से मांझी को चुनौती दे रहा है और बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, लिहाजा कार्रवाई कर दी गई। लेकिन क्या इससे विवाद थम जाएगा? लगता तो नहीं है। देखते हैं कि ये विवाद कहाँ जा करके थमता है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी बिना बोले मानने वाले नहीं हैं और बीजेपी ने जो बाहर का रास्ता दिखाया या सस्पेंड किया है वो ऐसा माना जा रहा है जैसे कि वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए हम इस कल्चर के, इस संस्कृति के पोषक नहीं है, ऐसे बयान का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन हकीकत में क्या उसे बुरा नहीं लगा है, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।